भाई लोगों, पहले चरण का मतदान होना है, होने वाला है। आज 9 अप्रैल है, 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और इस तरह से मतदान के चरण होते जाएंगे और मतदान पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो यह कि आप मतदान करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे, कैसा सोच कर करेंगे, क्यों सोच कर करेंगे, क्या सोच कर करेंगे, कैसा सोच कर करेंगे, क्यों सोच कर करेंगे, आगे क्या होगा ये सोच कर करेंगे, मोदी सरकार ने क्या किया है, क्या क्या किया है, संपूर्ण रूप से क्या क्या किया है, उससे क्या क्या देश को मिला है, क्या क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला है। जरूर नहीं कि सड़क निर्माण ही प्रत्यक्ष दिखता है। क्या वन रैंक वन पेंशन नहीं दिखता है? क्या कश्मीर में आतंकवादियों पर सख्ती नहीं दिखती है? क्या मुद्रा लोन योजना से बहुत सारे युवा रोजगार में उन्हें सहायता मिल रही है, बहुत कम लोन, बहुत कम ब्याज दर पर, ये नहीं दिख रहा है? 5 साल में कीमतें नहीं बढ़ी, क्या ये नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और कोई घोटाला नहीं हुआ, एक जो घोटाला है वो संदेहास्पद है और एक ही है। कांग्रेस के हजारों घोटालों से तो बहुत ही कम है, हजारों घोटालों में करोड़ों अरबों रुपयों का गबन अपने आप भी किया और रही सही कसर जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों को दे दिया और फंसा दिया नरेंद्र मोदी। अब वो भागा क्यों? अब भैया देखो, हम तो जनता हैं, भागा क्यों? कांग्रेस भी भगा सकती है, अरे भाजपा वाले भी जो है भगाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों करेंगे? कोई अपने आप पे दाग क्यों लगाना चाहता है, ये क्यों नहीं सोचते हो? इसलिए घोटाला शून्य सरकार है तो एक ही तो है यार, वो भी संदेहास्पद है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कैग कह चुका है, तो तुम अब किस पे विश्वास करोगे? राहुल गांधी पे, नेहरू खानदान पे है? और बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे देश की रक्षा के काम हुए हैं। मेक इन इंडिया में अब देश के शस्त्र यहीं बनने लगे हैं। ठीक है, राफेल विमान को बनाने में अंबानी भी साझेदार है, ठीक, तो क्या ये गलत है? अगर भाजपा ने अंबानी को ये ठेका दिलवाया तो क्या गलत किया? हाँ, गलत तो किया कि एक ही को देना गलत भी है, लेकिन देना तो था ही किसी न किसी को, चाहे तुम साफ सुथरे ढंग से दो, मिलना तो था ही किसी एक को, तो ऐसा कर दिया यार, उन्होंने हमारा कुछ कमीशन ले भी लिया, तो तुम्हारी क्यों फट रही है भाई? क्यों फट रही है? दुनिया में
अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या जापान हो, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ ही हथियार बनाती हैं, और हमारे देश की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है अभी। अब मोदी सरकार ने एक कदम उठाई है, उठाया है, तो क्या गलत है? कमीशन खाया है तो खाया है, जांच होगी जो भी है, और खाया भी है तो सेठों से खाया भी है अगर, तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? जनता का तो नहीं खाया ना, जनता का पैसा तो नहीं डूबा ना। एक तर्क की बात है, बताइए आप, है ना? तर्क पे बात कीजिए। अब बात यह है, बहुत सारे काम गए, डिजिटल वर्क हुआ है, पैसा का लेन देन डिजिटल। मैंने तो बैंक जाना ही छोड़ दिया। ठीक है, फॉर्म भरते हम, वो भी जो है कि डिजिटल है, ऑनलाइन है। ठीक है, जीएसटी तो होना ही था, जो करने देता था वो करके दायरे में आ गया, तो क्या गलत है? क्या गलत है? जीएसटी से वही दुकानदार परेशान है जो कर चोरी करते थे, और ईपीएफ निश्चित हुआ देना, तो ईपीएफ सबका कटेगा तो सबका तो भला होगा, कम से कम ब्याज तो मिलेगा ईपीएफ पर। आज सरकार को ये पता तो चलेगा कि कौन कौन जो है ईपीएफ पा रहा है, कितना पा रहा है, किसको कितनी इसकी सहायता है, ये तो पता चलेगा, ब्याज तो मिलेगा। आप नौकरी छोड़ोगे तो ईपीएफ तो कटता रहेगा, चाहे कहीं भी, आज यहाँ छोड़ो कल वहाँ छोड़ो, तो सरकार ने ठीक तो किया। अब कम से कम जहाँ 10 कर्मचारी हो वहाँ ईपीएफ कटना तय हुआ, ऐसा सुना मैंने, तो ठीक तो हुआ। कंपनियां हैं या कोई भी है, आपको ईपीएफ नहीं देती थी तो ये गलती तो था, अब देंगी? हमारा कोई नहीं देता, चोरी करता है उसकी, नहीं देता है, तब ना देने के चक्कर में वो कर्मचारी को हटाता है, तो हटाता है, गलती तो करता था वो, इससे भलाई तो होगा, वो आप लोग देने को बाध्य होंगे, रोजगार मिलेगा कुछ समय के लिए हटा, लेकिन फिर जब आप लगोगे, जो लोग हटे या फिर लगेंगे, तो उनका ईपीएफ कटेगा, तो ये अच्छा कदम है। आप लोग त्वरित नुकसान क्यों देखते हो? भविष्य का लाभ देखिए, भविष्य का लाभ देखिए। ठीक है, और देखिए इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली है, क्या नहीं हुआ है? फ्लाईओवर, हाईवे, उत्तराखंड में ये चार धाम योजना चल रही है, रेलवे योजना चल रही है, देश की सीमाओं पे हवाई अड्डे बन गए हैं, हथियार तैनात किए गए हैं, सेना के लिए नए हथियार मिल रहे हैं, क्या कहने हो रहा है? देश की जो विदेश नीति है, सारी दुनिया जो है कि भारत का लोहा मानती है, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ गया है, सेना को खुली छूट है, वैज्ञानिकों को खुली छूट है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, क्या क्या नहीं हुआ? किसानों के लिए 6,000 रुपये हुआ, और कुछ होना बाकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना हुआ आप अंदाजा लगाइए, क्या क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, स्वच्छ भारत हुआ, आज प्रत्येक आदमी जाना गया है कि स्वच्छ रहना चाहिए, इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, बहुत काम हुआ, काम ही काम हुआ। और कांग्रेस की इतनी ज्यादा इन 5 सालों में हर एक सिलेंडर, कभी अवार्ड वापसी, कभी कन्हैया, कभी गुजरात में वो जिनका कभी कोई नाम नहीं जानते थे, क्या अल्पेश, जिग्नेश, क्या क्या राक्षस पैदा किए, और झूठ बोल बोल कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसके बराबर ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी कोई आई ही नहीं आज तक, झूठ बोल बोल के लोगों को भ्रमित किया, और घोषणा पत्र देखो, बीजेपी का राष्ट्रवादी। राम मंदिर बनेगा, धारा 370 भी हटेगी, विश्वास रखो। ठीक है, विकास हो रहा है, और ये चीजें भी होंगी, मूलभूत चीजें भी होंगी। 3 तलाक हटाए मुसलमानों का, ठीक तो है, नहीं हटने चाहिए क्या? बहू बेटियों के लिए ठीक है वो,
मोदी सरकार सही काम कर रही है। और इसका घोषणा पत्र क्या है कांग्रेस का? आपस्पा में ढील देंगे, मैंने सैनिकों को फिर वही स्थित कर देंगे, आतंकवादी पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे ढंग से, हाँ? और नागरिकता में संशोधन करेंगे ताकि बांग्लादेश में आते रहें, ये काम है उसके, ये है उसके घोषणा पत्र में है? और क्या हो, लिचिंग लिचिंग मनी, वो कोई मुसलमान गाय ले जा रहा है तो लोग उसको पकड़ते हैं पीटते हैं, उसमें हम कानून बनाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र उसका कांग्रेस का, ताकि मुसलमान आराम से गायों को ले जाते रहे यार, हिंदू कुछ नहीं कर पाए। अरे हमारे धर्म का विषय है, अरे उस कानून से क्या हमारे हाथ बंद नहीं करने जा रही है कांग्रेस, ठीक है ना? और आप सरकार के खिलाफ, इस देश के खिलाफ कुछ ही बोल सकते हैं, क्या हो क्या सिविल ऑफेंस नाम का ऐसा घोषणा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। और मुख्य जो है 72,000 रुपये पर, 3 लाख से ऊपर जो है उसमें बजट आएगा, और कहाँ से मिलेगा? सारी महंगाई बढ़ जाएगी, जो महंगाई स्थिर है कम है वो सारी बढ़ जाएगी, लोड जो है जनता पर ही पड़ेगा, सारी लापरवाही या सारी घपले घोटाले फिर से शुरू हो जाएंगे, ये देख लेना। और कांग्रेस हजारों घोटाले वाली, कई मर्डरों वाली, शास्त्री का मर्डर और सुभाष चंद्र बोस का मर्डर, अपनी कई नेताओं का मर्डर, ताकि नूरकांदन ही उनकी पकड़ी जो है कांग्रेस पर बनी रहे, ऐसी चोर पार्टी, ऐसी चोर पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, हत्यारी पार्टी, मुस्लिम परस्त। अभी कहते राम मंदिर बने, राम सेतु को तोड़ने जा रही थी कांग्रेस, अरे ऐसे ऐसे उल्टे काम, वो तो इस देश के लायक है ही नहीं, ठीक है? देश को भिखारी बना दिया, बस भीख ले लो और हमें सत्ता दे दो, बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देश बढ़े न बढ़े, है कि नहीं? और काफी होना बाकी है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए आप जरा सोच समझ के वोट दें कि हम वोट किसको दे रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों की तरह राहुल के 72,000 रुपए के मुगालते में मत आना, ठीक है? और वो है भी क्या, सुनो कि 6,000 रुपये महीना, 12×6 72, अब कैसे लागू हो गए, कितना उसमें खर्चा आएगा और क्यों होगा, और उसके बाद फिर महंगाई कितनी बड़ी, विकास कार्य सारे रुक जाएंगे, राष्ट्रद्रोही कानून बनाए जाएंगे, हिंदू द्रोही कानून बनाए जाएंगे, ठीक है ना? तो भैया ऐसा है, मनरेगा में 100 दिन का 150 दिन किया जाएगा, हमारे पार्ट में तो काम करना लोगों ने छोड़ दिया है, मनरेगा से मिल रहा है पैसा, लोग काम नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर आदमी और भी आलसी हो जाएगा, काम कौन करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। और उसका सारा माना एक बात है, कोई पार्टी ऐसा कर दे माना, तो फिर वो बजट पैसा कहाँ से आएगा? सेठ देंगे या सेठ देंगे क्या, या राहुल देगा, भाई मेरा इतना पैसा जमा है मेरे खातों में, मेरे बाप दादा ने पैसा कमाया, चलो उसी में से दे, तब तब भी हम मान लें, लेकिन बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है? और ये बात सरकारी नौकरी की, तो कांग्रेस ने कितनी सरकारी नौकरी दी भाई, कि इन 5 साल में किसी नौकरी तो चिन्ही, तो चिन्ही तो नहीं ना, उससे पहले कितनी नौकरी मिली, कितनी मिली? कुछ नौकरियां मिलती, कुछ नौकरी तो मिलती हैं तुम्हारे, ये किस पे मिलती हैं, आउटसोर्सिंग पे, वो कौन से जमाने से आउटसोर्सिंग, सीधे सरकार दे रही नौकरी, और पक्की नौकरी दी कांग्रेस ने, कौन सा पक्की नौकरी दी, आउटसोर्सिंग 10,000 रुपये 5,000 रुपये ऐसी नौकरी दी, बीजी वही कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोनों पार्टीज में होने में खराब है, नौकरी मिले तो पक्की मिले, यार पूरी तनख्वाह मिले,
पूरी तनख्वाह वाली नौकरी जो है प्राइवेट नौकरी में होनी चाहिए। इसमें दोनों दल खराब है, क्योंकि सभी दल जो है अमीरों से मिले हुए हैं भाई। ठीक है, तो फिर भी हमारे बेहतर कौन है, ये आप देखो कि किसने क्या किया, कौन कैसा है, पिछले साल 5 साल में कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ, किसके क्या विचार हैं लक्ष्य हैं, ये आप देखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ध्यान से हैं। मैं गिरीश चंद्र जुयाल, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ।